नमस्कार, इनविजन न्यूज की डॉक्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इनविजन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। पत्रकारों को मिली हिमाचल में पीएम मोदी की रैली कवर करने की इजाजत। पात्रा चौल घोटाला, शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ी। जम्मू कश्मीर और राजौरी में मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थायी तौर पर की गई बंद। धमाके से फिर दहली अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अमृतसर के अजनाला में देर रात दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ के जवानों की फायरिंग के बाद लौटा। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन और दशहरा उत्सव के लिए होगा नागपुर शहर में तगड़ा बंदोबस्त। दीक्षा भूमि पर रहेगा त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा, चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस प्रशासन की नजर। गुजरात के वडोदरा के सावली में सांप्रदायिक झड़प, 40 गिरफ्तार तो वहीं 6 घायल, नवरात्रि समारोह के दौरान हुआ पथराव। पेट में 9 करोड़ के ड्रग्स छिपाकर लाइबेरिया से दिल्ली आया शख्स हुआ गिरफ्तार। 6 राज्यों की 7 विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, 7 सीटों पर 3 नवंबर को होगा मतदान, 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। और 1330 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों हुआ उद्घाटन।